हाउ आर यू टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश स्टैंडर्ड नर्सरी। तो आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स आई ए लेटर, आई फॉर आइसक्रीम। तो जो आपकी 4 लाइन की नोटबुक है उसमें आपको आई फॉर आइसक्रीम लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं हाउ टू राइट आई लेटर्स। ओके, सो फर्स्टली यूज दिस 3 लाइन्स। आपको ये जो लाइन है इस्तेमाल करनी है अपर की साइड की, 1 2 3। एक स्टैंड लाइन निकालनी है स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे जो है कि स्लीपिंग लाइन और इस साइड में स्लीपिंग लाइन, ए हो गया आई फॉर आइसक्रीम। ओके, नेक्स्ट इस तरह से आपको आई फॉर आइसक्रीम राइट डाउन करना है स्टूडेंट्स। बहुत इजी लेटर लिखने के लिए आई फॉर आइसक्रीम करना है। ओके, एक स्टैंडिंग लाइन, देन एक ऊपर जो है कि उसके ऊपर जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे आपको स्लीपिंग लाइन, लास्ट में एक स्लीपिंग लाइन, इसे कहना है आई फॉर आइसक्रीम। ओके, और एक ही लाइन में 4 लेटर लिखने स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं हाउ टू राइट। इस तरह से फर्स्टली आई ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, लास्ट में स्लीपिंग लाइन। ओके, एंड नाउ आई लेटर क्रिएट हो गया। ओके, आई फॉर आइसक्रीम ऐसे कहना है स्टूडेंट्स, आई फॉर आइसक्रीम। बहुत इजी है, नीचे नीचे कॉपी करना है आई फॉर आइसक्रीम, यहाँ पे भी आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, बे आई फॉर आइसक्रीम। इस तरह से जो है कि स्टूडेंट्स आपको एक पेज क्लास वर्क में आपको एक पेज कंप्लीट करना है। ओके, यूवर पेज जो होगा आपके नोटबुक में आपको एक पेज कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। ओके, इसकी फोटो जो मुझे सेंड करना है, क्लास वर्क का फोटो सेंड करना है। अभी हम जो है कि टेक्स्ट बुक में देखेंगे स्टूडेंट्स आई एंटर किस तरह से लिखते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्टली ओपन यूर टेक्स्ट बुक अल्फाबेट कैपिटल लेटर, पेज नंबर 22 पे आपको दिया है लेटर आई फॉर आइसक्रीम। यहाँ पे डायरेक्शन बताई है स्टूडेंट, इस तरह से जो है आपको डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेस करना है। ओके, एक डायरेक्शन, देन लास्ट में डायरेक्शन आई फॉर आइसक्रीम कहना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन निकाली है, देन यहाँ पे डॉटेड लाइन है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ट्रेस करना है इस तरह से आई फॉर आइसक्रीम कहना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए वेनिला आइसक्रीम दी है ना, बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। तो चलिए आज हम इसी तरह से लेटर भी लिखेंगे, यानी हमें आइसक्रीम मिल जाएगी बाद में, है ना स्टूडेंट्स। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, इस तरह से आपको ये फर्स्टली ट्रेस करना है स्टूडेंट्स। तो बाद में दिया हुआ है से एंड राइट, यहाँ पे कहना है आपको और ट्रेस करना है इस तरह से आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, प्रॉपरली टेस्ट करना है स्टूडेंट्स। ओके, आई फॉर आइसक्रीम, देन यहाँ पे भी डॉटेड लाइन दी है, इसे भी हमें ट्रेस करना है आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, ऐसे कहना है स्टूडेंट। देखिए मैं ट्रेस कर रही हूँ, साथ में कह भी रही हूँ आई फॉर आइसक्रीम, है ना, मुझे पता चलता है कि मैंने कौन सा लेटर लिखा है। इसी तरह से आपको भी कहना है, तब आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा लेटर ट्रेस किया है या लिखा है। यहाँ पे देखिए 3 लाइन से ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन निकालनी है, यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन, इसे ज्वाइन करना है, यहाँ स्लीपिंग लाइन ज्वाइन करना है। आई फॉर आइसक्रीम तैयार हो गया, ये आई लेटर तैयार हुआ है। ओके, यहाँ पे भी डॉटेड साइन दी है, तो आपको ट्रेस करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको खुद लिखना है इस तरह से आई फॉर आइसक्रीम, या पेरेंट्स आप हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट दे कीजिए कि स्टूडेंट्स इसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन लेनी है, यहाँ पे एक लाइन, आई फॉर आइसक्रीम तैयार हो गया आई लेटर। ओके, इस तरह से आपको एक पेज टोटली कंप्लीट करना है, पेज नंबर 22। इसकी भी फोटोज मुझे सेंड करना है स्टूडेंट, जो टेक्स्ट बुक में आप लिखते हो उसके भी। देन जो है पेज नंबर 23 पे आपको दिया है आई फॉर आइसक्रीम, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है, फर्स्टली इसे ट्रेस करना है स्टूडेंट्स, आई फॉर आइसक्रीम कहना है, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, इस तरह से आपको लिखना है आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, इस तरह से आपको लिख के कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स एक पेज आई फॉर आइसक्रीम, ऐसे साथ में कहना है। ये टोटली आपको कंप्लीट करना है, यानी पेज नंबर 22 एंड 23 आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर फर्स्ट लेटर। यहाँ पे जो है कि हमें पिक्चर्स देख के उसके फर्स्ट लेटर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे फैन है तो हम एफ जो है कि कैपिटल यहाँ पे एफ लिखेंगे, देन यहाँ पे ईगल है
ई लिखेंगे, ई फॉर ईगल होता है स्टूडेंट्स, ओके। देन यहाँ पे जो है कि कैमल है, सी फॉर कैमल। इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है स्टूडेंट्स, कंप्लीट करना है। तो जो है पेज नंबर 22-23 ये दोनों कंप्लीट करके इसके भी फोटोज मुझे सेंड करने हैं स्टूडेंट्स, ये आपको घर में करना है। देन जो है आज हमने आई लेटर देखा है स्टूडेंट्स, आई फॉर आइसक्रीम, ये आपको होमवर्क में दो पेजेस लिखना है इंग्लिश के नोटबुक में स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको राइट डाउन करना है, आई लेटर आई फॉर आइसक्रीम कहना है स्टूडेंट्स, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, ऐसे साथ में आई फॉर आइसक्रीम। तो स्टूडेंट्स ये आपको ऊपर की साइड में लिखना है, पेरेंट्स आप मदद कर सकते हैं, ऊपर की जो लाइन है आगे आप आई जो लेटर है लिख के दे सकते हैं स्टूडेंट्स, देख के नीचे कॉपी करेंगे लिखेंगे आई फॉर आइसक्रीम, ऐसे आपको स्टूडेंट्स कॉपी करना है, यहाँ पे इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको ये लिख के कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स। ये आपको दो पेजेस होमवर्क करना है, यानी हमने आज क्लास में एक पेज जो है टेक्सटबुक पे दो पेजेस और होमवर्क पे दो पेजेस, ऐसे टोटली 5 पेजेस आपको कंप्लीट करके उसकी फोटो जो मुझे सेंड करना है स्टूडेंट्स। तो आज हमने देखा है आई फॉर आइसक्रीम लेटर, वीडियो आपको अच्छे से देख के अंडरस्टैंड कर लेना, ओके स्टूडेंट्स।